जी इंद्र विजय गोयल जी हमारे वरिष्ठ साथी और नौजवान नेता हरपाल सिंह जी चुदात्मा जी और तमाम मंच उपस्थित बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथियों अपने माफी चाहते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर के उड़ने का टाइम फिक्स होता है। मजबूरी में मुझे सीधा बोलना पड़ रहा है, हमारे अन्य साथी बोल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में आप जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, उन्हीं शासन को आप बहुत अच्छे से देख चुके हो। कोई जमाने में जब शासन कांग्रेस कवर करता था उसको भी हमारे बुजुर्गों ने देखा है किस प्रकार से गुजरात का विकास हुआ, पानी की स्कीम हो, सिंचाई की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में कोई कमी नहीं रही थी। 27 साल में आपने देखा कितना बड़ा अंतर आ गया। आज तो भयंकर तो महंगाई है जो मार रही है परिवारों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को। बेरोजगारी हद पार कर चुकी है, जबकि गुजरात तो आज़ादी के पहले से मजबूत स्मृतिशाली राज्य रहा है। वहाँ के हालात भी बड़े चिंतित करने वाले हैं। और जो मैं देख रहा हूँ 27 साल के कुशासन में इनकी जो सरकार बदली है, कोरोना के वक्त में जितने लोग मारे गए अहमदाबाद के अंदर गुजरात में रिकॉर्ड हो गया वो, जबकि हम लोगों ने कमी नहीं रखी थी। राजस्थान में शानदार प्रबंधन किया, फ्री इलाज किया कोरोना के अंदर, एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं मरा हमारे यहाँ पर। यहाँ मजबूर होकर अमित शाह जी को और मोदी जी को खाली मुख्यमंत्री नहीं बदला है, पूरी सरकार बदलनी पड़ी। इतिहास में पहली बार हुआ किसी राज्य में तमाम मंत्रिमंडल के लोग मुख्यमंत्री सहित बदले गए। इसका मतलब क्या, सभी मंत्री निकम्मे थे, नाकारा थे, जिन्होंने 3 साल तक कोई काम ही नहीं किया, क्या कारण था सबको बदलना पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि हालात बड़े गंभीर हैं। आपको चाहिए कि महंगाई की मार तो चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे आटा दाल हो, सब चीज़ों बहुत महंगे महंगाई बढ़ गई है। 200 रुपये 300 रुपये तेल हो तो आप सोच सकते हो क्या आदमी पकाए, गरीब आदमी। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर भी। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपकी पुरानी पार्टी है जिसने देश को आज़ाद करवाया। हमारा मुल्क गांधी जी के नेतृत्व में, जो गांधी जी गुजरात के थे, उन्होंने दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया देश का। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है पूरी दुनिया के मुल्क उनके जन्म दिवस को। आप सोच सकते हो, गर्व करने वाली बात है। सरदार पटेल थे, गृह मंत्री के रूप में एक अमित शाह छोड़ी थी पूरे देश के अंदर। उन नेताओं को कौन भूल सकता है, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, कोई कमी नहीं रखी, सब नेताओं ने मिलकर के मुल्क को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी जी की जान चली गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। उनका सीना छन्नी हो गया, एक महिला थी, प्रधानमंत्री के रूप में शानदार काम किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, गरीब बैठों की बात करी, हरित क्रांति लेके आई, पर वो भी शहीद हो गए देश के लिए, राजीव गांधी शहीद हो गए। इस मुल्क में कांग्रेस ने आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी त्याग किए, बलिदान किए। पंडित नेहरू को 10-12 साल से जेल में बंद रहे होंगे। तो पुरानी पार्टी है जो देखी परखी हुई पार्टी है, गरीबों की है, मजदूरों की है, किसानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है। ऐसी पार्टी को एक मौका आपको वापस देना चाहिए। जैसे आपने रघु भाई को जिताया आपने बाई इलेक्शन के अंदर, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने सही सिलेक्शन किया। पिछली बार चूक गए, हमारी सी गलती हो गई, मैं यहाँ प्रभारी था उस वक्त में, रघु भाई को टिकट उस वक्त मिलना चाहिए था, पर हमारी गलती रही। और हम उनको एक नेता को लेके आ गए उदार के अंदर, उदार के आदमी उदार का ही होता है, वापस चला गया भाग करके। इसलिए गलती हमारी हुई, वो करना पड़ा रघु भाई को, इंतजार करना पड़ा। पर मैं समझता हूँ कि आपने सही फैसला किया, इनको कामयाब किया। अब मैं आपसे अपील करूँगा, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं मेरे मुँह से क्या कहूँ, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ,
पहले मैं यहाँ राजनपुर में आया था, मेरी बेटी का ससुराल यहीं पर है, तो मैं आया था यहाँ पर। और आप तो रिश्ता आपका एक अलग तरह का रिश्ता है, तो मैं कह सकता हूँ आपको कि राजस्थान सरकार ने ऐसी ऐसी योजना लागू करी है, 10 लाख का हमने इलाज फ्री कर दिया बीमा करके सबका, किडनी ट्रांसप्लांट हो हार्ट ट्रांसप्लांट हो सब फ्री कर दिए गए हैं, दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, कोई सोच नहीं सकता, पूरे देश में कहीं नहीं है, वो हमने करके दिखाया है राजस्थान के अंदर। जो आपको सही जानकारी में होगा, मनरेगा में हमने 125 दिन कर दिए, इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा शहरी रोजगार योजना 100 दिन के रोजगार नरेगा की तरह हमने लागू कर दिया, इंदिरा रसोई योजना 8 रुपये में खाना मिल रहा, वहाँ बहुत ही बैठा करके आराम से खाना खिलाते हैं उन लोगों को। इस प्रकार से 5 रुपये हमने पशुपालकों को प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हम लोग, तो कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। कर्मचारियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए हमने ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी स्कीम, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, कर्मचारी मांग कर रहे हैं पूरे सब राज्य सरकारों से, पर आपकी गुजरात सरकार परवाह नहीं कर रही कर्मचारियों की, तो कर्मचारी भी मैं समझता हूँ इस बार इनको इस सरकार को सबक सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों को हम लोग प्रति वर्ष प्रति माह 1,000 रुपये दे रहे हैं, कुछ 8 लाख किसानों के बिजली के बिल 0 हो गए हैं, कोई बिल नहीं आता है। 50 यूनिट हमने फ्री कर दी उपभोक्ताओं को, करीब 44 लाख लोगों का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार की हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निस्तरजनों को, 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। निस्तरजनों का विशेष ख्याल रखते हैं, छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं चाहे कोरोना में हो चाहे वैसे भी हो, उन सब के लिए प्रति माह उनको किसी घर में चाहे नाना नानी हो दादा दादी हो उनके घर पे रखवाते हैं, पूरा खर्चा सरकार दे रही है। एक से बढ़ के एक स्कीम चलाई हम लोगों ने, गांव में हमने अंग्रेजी स्कूल खोल दिए, अंग्रेजी का एक अलग तरह का आज जमाना आ गया, मोबाइल फोन का इंटरनेट का ज्ञान बढ़ना बहुत जरूरी है, तो गरीब के पास में अगर मोबाइल फोन नहीं है तो कोरोना पढ़े नहीं कर पाया, वो ऑनलाइन पढ़े नहीं कर पाया। अब हमने तय किया कि हम किस प्रकार से हर परिवार में हर परिवार की महिला को हमने तय किया एक मोबाइल फोन विथ इंटरनेट सेवा 3 साल तक फ्री देंगे, ये हमने कदम उठाया है। इस प्रकार अंग्रेजी स्कूल खोली हम लोगों ने, क्योंकि जमाना बदल गया है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आज 50 लाख 1 करोड़ की तनख्वाह मिलती है उन लोगों को। तो मैं खाली आपको कहना चाहूँगा, सरकार कोई कमी रख नहीं रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, संविधान की शपथ लेते हैं तो उसके अनुसार चल रहे हैं। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से शासन कर रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में देश चल रहा है, तनाव का माहौल है, हम चाहते शांति प्यार भाईचारा कायम रहे देश के अंदर, ये हमारी सोच है। और ना वो अर्थव्यवस्था ठीक कर पा रहे हैं, ना उनका काबू में आ रही है, महंगाई काबू में आ रही है, और परवाह भी नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि उनको अहम घमंड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं। एक सबक सिखाओगे आप लोग, शासन उनका ही रहेगा पूरे देश में, 2024 तक शासन उनके पास में है, राज्यों में कई सरकार उनके पास में है। तो अगर गुजरात एक सबक सिखा देता है, पिछली बार भी आपने 77 सीटें कांग्रेस जिताई थी आप लोगों ने, और 99 पे आगे कांग्रेस ये बीजेपी रुक गई थी, जबकि अमित शाह जी कहते थे कि मिशन 150 सीटें जीते हम लोग, 150 का घमंड करने वाले 99 पे आके रुक गए थे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, एक तरफ आप पार्टी लोगों को भुलाव में डाल रही है, झूठे वादे कर रही है, बड़ा चला करके मीडिया का उपयोग कर रही है, और आप समझ सकते हो मीडिया किसका साथ देता है, आप पार्टी के साथ क्यों दे रहा है, किस प्रकार से वे लोगों को गांव में जा करके क्या क्या बातें करते हैं, सब बातें झूठे वादे कर रहे हैं। उनको पंजाब में उनकी सरकार बनी, आप पता कर लीजिए, पंजाब में इतनी हालत खराब हो गई पंजाब के अंदर, अभी से ही कोई सोच नहीं सकता, इन हालातों में ये देश चल रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कृपा करके आप 27 साल के बाद में एक बार मौका कांग्रेस को देंगे, पूरे गुजरात के अंदर
गांव में कांग्रेस बहुत मजबूत है, शहरों में पता नहीं व्यापारी है, उद्यमी है, उद्योगपति है, वो डरते हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, डर के मारे वो वोट देते बीजेपी को और बीजेपी जीत जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। सूरत के अंदर अमित शाह जी की मीटिंग हो रही थी, लोगों ने कुर्सियां फेंक दी वहां पर, वहां पर भी एक तरफ बीजेपी जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि जो व्यापारी उद्यमी थे, हम सुनते 2000 लोगों को, इनकम टैक्स वालों को, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को भेज दिया वहां पर, डरा के धमका के वोट ले लिए और एक तरफ जीत हो गई उनकी। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो लोग आलोचना भी करते हैं, लोकतंत्र में असहमति भी होती है और लोकतंत्र का गहना भी है। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हो तो मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए। देश भर में जो पत्रकार, लेखक, साहित्यकार अरेस्ट हो रहे हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, कोई लेख लिखते हैं खिलाफ में बीजेपी के, या स्पीच देते हैं अपनी कोई बात के, टिप्पणी करते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। ये कहाँ का रिवाज है? आज़ादी के बाद में 70 साल तक कांग्रेस शासन किया होगा लगभग, आप बताइए कभी किसी को इस प्रकार जेल भेजा गया? कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं कोई सोच नहीं सकता। ये जो तरीका है काम करने का, अच्छा तरीका नहीं है। थोड़े समय के लिए खुश हो सकते हैं कोई लोग, यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है, अरे बुलडोजर कभी किसी के घर में जा सकता है। कानून का राज नहीं रहेगा तो कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति रहेगी, कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित रहने के लिए भी जरूरी है कानून के राज की हम रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, जिसके कारण ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं रहता हमारे यहाँ पर, पाकिस्तान की तरह अगर शासन होता, साधन सैनिकों का, मिलिट्री का, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते? तो लोकतंत्र की रक्षा किसने करी? लोकतंत्र की जड़ें मजबूत किसने करी? कांग्रेस ने करी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति, उसके कार्यक्रम अंबेडकर साहब के वक्त पर संविधान बना, उसके अनुरूप चलते आए हैं। गांधी जी के सिद्धांत थे, उनके गरीबों के प्रति, गांव के प्रति, किसान के प्रति आस्था थी, आधार बना के राज किया, तब जाकर के आज 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र कायम रहे। हम अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? क्योंकि आज इस देश में वोटों का राज, जिसमें माई बाप जनता होती है, उनको कायम रखा। आप चाहो तो कोई प्रधानमंत्री बन पाए, मुख्यमंत्री बन पाए, एमएलए बन पाए, आप नहीं चाहते हो तो उसको घर बैठना पड़ता है, चाहे कितने बड़ा नेता क्यों नहीं हो। ये ताकत आपको दी है महात्मा गांधी ने, दी है पंडित नेहरू ने, दी है सरदार पटेल ने, दी है मौलाना अबू कलाम आजाद ने, दी है और अंबेडकर साहब ने दी है। वो ताकत को बनाए रखने के लिए भी आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, मेरी आपसे मार्मिक अपील है। इसलिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कहने के लिए। मुझे यकीन है कि आप लोग कमी नहीं रखोगे, सब मिलकर के आप अवश्य ही रघु भाई को आप पुनः आशीर्वाद देंगे, उनको पुनः कामयाब करेंगे। और हमें उम्मीद है कि गुजरात के अंदर इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस की शासन मानेगा आपके आशीर्वाद से। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बात, रघु भाई ने अपनी माता जी के नाम से, केशवभा के नाम पे बहुत ही शानदार अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, कि रघु भाई ने एक बार एमएलए बने, एमएलए बनते हुए उन्होंने पब्लिक के लिए एक माँ के नाम का अस्पताल की सोच रखना बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप जो होते हैं, हमारे रिवाज है, चाहे कितने ही बूढ़े हो जाएं, तकलीफ है उनको, बचने की संभावना नहीं है अस्पताल में, तब भी हम अपना घर बेच देते हैं, गहना बेच देते हैं, किसी ढंग से माँ बाप जिंदा रहना चाहिए, हमारे संस्कार है। और उसी संस्कार के कारण से रघु भाई ने अस्पताल बनाया अपनी माँ के नाम का, जिससे कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी आके वहाँ पर इलाज करवा सके। ये उनकी सोच, अच्छी सोच है। इसलिए मैंने कहा राजस्थान में हमने तमाम अस्पताल के अंदर तमाम दवाएँ फ्री कर दिए, टेस्ट फ्री कर दिए हैं, ऑपरेशन फ्री कर दिए हैं, तमाम तरह के ऑपरेशन हो, दवाई हो, MRI हो, CT स्कैन सब फ्री कर दिए। इस प्रकार हम लोग भी स्वास्थ्य सेवा में आज देश में नंबर 1 बन गए। मैं आपको निवेदन करूँगा,
हम चाहेंगे सरकार यहाँ बने, कांग्रेस की तो तमाम स्कीमें जो रास्तों में चल रही है, तमाम स्कीमें हम वादा करते हैं, हमारे सब नेता बैठे हैं, सब बात कर चुके हैं, तमाम स्कीमें हम यहाँ लागू करेंगे गुजरात के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ और अस्पताल का जो इन्होंने बनाया उसका मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, उसका उद्घाटन हो गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्सेज, उसकी मॉनिटरिंग रघु भाई करेंगे, किस प्रकार गरीबों की सेवा कर रहे हैं, वो तकलीफ नहीं आने चाहिए गरीब को। एक बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर जो भी योजनाएं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौर में शुरू हुई हैं वो सभी योजनाएं गुजरात के अंदर भी लागू की जाएंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के पाटन से। मुख्य प्रवेशक की भूमिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां पहुंचे।